SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप सिस्टमैटिकली रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक पीरियड तक म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप कम से कम 500 रुपए पर मंथ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें आपको कम से कम 1 साल तक इन्वेस्ट करना चाहिए और मैक्सिमम आपको जितने सालों तक भी इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको एक रेगुलर इनकम मिलती हो तो आप वो रेगुलर इनकम में से एक फिक्स परसेंटेज सेव कीजिए और उसे SIP के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मानो अगर आपको कोई लमसम अमाउंट मिलती हो तो उसे आप एक फंड में इन्वेस्ट करिए और उसके साथ आप उसमें से रेगुलर इंटरवल्स में दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये SIP की तरह ही है बट फर्क सिर्फ इतना है कि SIP में आपका अमाउंट बैंक अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट होगा और STP में आपका एक फंड से दूसरे फंड में इन्वेस्ट होता है। SIP और STP में आप फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको वीकली करनी हो या मंथली या क्वार्टरली आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप SIP और STP थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब आपको अलग अलग प्राइस में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है जिसके थ्रू आपको एवरेज प्राइस का बेनिफिट मिलता है। सो अगर आपको रेगुलर इनकम मिलती हो और आप रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए SIP एक अच्छा जरिया है और अगर आपको लमसम अमाउंट मिलता हो तो आप STP कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप हमें आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर moneygupshup@gauravmashruwala.com पे भी ईमेल कर सकते हैं।